सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। क्यूबेबा ऑफिसिनालिस, आज की दवा, आज की चर्चा। जो रिक्वेस्ट आई थी ना, क्यूबेबा के ऊपर रिक्वेस्ट आई थी कि बात करें क्यूबेबा ऑफिसिनालिस नामक होम्योपैथिक दवा पे। दोस्तों ये मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, अपनी रिक्वेस्ट से अपना नाम और जगह का नाम ज़रूर मैंशन किया करें, सो दैट आई कैन स्पीक आउट इन माई वीडियोज़, मैं उसमें ऐड कर सकूं। द नेम वॉज नॉट क्लियर, जिन सज्जन ने ये रिक्वेस्ट भेजी ना, उनका नाम क्लियर नहीं था। खैर, इंपॉर्टेंट दवा रहती है क्यूबेबा ऑफिसिनालिस। हालांकि इसका ना प्रयोग इतना ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि दायरा थोड़ा सीमित रहता है, और वो दायरा है ना जो, उस पर ये एग्जैक्ट फिट बैठती है। आई मीन जिस जहाँ ये सिम्टम्स पे एक्ट करती है, जिस इंडिकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो स्ट्रांगली इंडिकेटेड रहती है ना, वहाँ इसका रोल 100% है। वहाँ इसको मास्टर रेमेडी का नाम दिया जा सकता है अनडाउटेडली। और वो क्या है, दैट इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, पेशाब संबंधी रोगों में क्यूबेबा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं क्यूबेबा ऑफिसिनालिस के। ये एक ना प्लांट का ओरिजिन है, दवा तैयार की गई उसके फल से, जो कच्चा फल रहता है ना, अनराइप फ्रूट, ठीक है, वहाँ से इसका टिंचर, उसको सुखा के उसका टिंचर तैयार किया जाता है और आगे पोटेंसिल बनाए जाते हैं। मैं इन शॉर्ट आपको बताऊँ इसका जो क्लिनिकल रोल रहता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मैंने बताया ना, UTI, तो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर किडनीज आ जाती हैं, ब्लैडर है, वी ऑल नो, यूरेटर्स एंड यूरेथ्रा, राइट। तो ये वहाँ कहीं भी इस ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन होती है, जिस विच लीड्स टू इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन के साइंस दिखते हैं, वो सिम्टम्स दिखते हैं उभर के, जो मेन इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ बर्निंग। बर्निंग रहेगी ब्लैडर एरिया में, बर्निंग रहेगी यूरेथ्रा के एरिया में। ये मैं इन शॉर्ट आपको इन जनरल बता रहा हूँ, आगे डिटेल में बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम UTI, इसको ना गोनोरिया में भी दिया जा सकता है, इट्स ए सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ग्लीट एक नाम दिया गया है। यूरेथ्रा के अगर इन्फ्लेमेशन है, साथ में डिस्चार्ज है, पेशाब के साथ ना म्यूकस आता है, यूरिन के साथ अगर गाढ़ा सा म्यूकस आता है ना, व्हाइटिश या येलोइश भी हो सकता है, तो उसको ग्लीट बोलते हैं, वहाँ इट इज़ वेरी स्ट्रांगली इंडिकेटेड। उसके अलावा एल्बुमिन्यूरिया, अगर यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन की मात्रा, जो प्रोटीन एक ज़्यादा आ रहा है ना, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, वो दर्शाता कहीं किडनी मेल फंक्शनिंग हो रही है, तो एल्ब्यूमिन्यूरिया के केसेस में दिया जाता है। अल्सर्स हो गए हैं, माउथ में अल्सर हो गए, एफ्थेविकॉल है ना, वहाँ भी दिया जा सकता है। बेड वेटिंग एक इंपॉर्टेंट कंडीशन रहती है, बच्चों में अक्सर देखा गया, रात को सोते समय पेशाब कर देते हैं, बड़ों में भी ऐसा कई बार होता है, तो वी कैन सेफली गिव क्यूबेबा। कैटार है, म्यूकस है, डिस्चार्ज हो रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन्स में से, वहाँ क्यूबेबा इज स्ट्रांगली इंडिकेटेड, इसका क्लिनिकल रोल देखा गया है, ठीक है। महिलाओं में लिकोरिया की समस्या है, यंग गर्ल्स के अंदर लिकोरिया है, डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है, वहाँ इसका इंपॉर्टेंट क्लिनिकल रोल देखा गया है। डायरिया में भी दिया जा सकता है, और पुरुषों में, मेल्स में ना प्रोस्टेटाइटिस की दिक्कत है, प्रोस्टेट के अंदर इन्फ्लामेशन है, अगर उसमें सूजन है, उसके साथ लिंक्ड जो सिम्टम्स हैं, वहाँ क्यूबेबा कैन बी सेफली गिवन। और ऑर्काइटिस, दैट इज अनदर कंडीशन, उसके ऊपर अलग से चर्चा करेंगे। आइए इसका ना होम्योपैथिक रोल समझते हैं। दोस्तों हमारी बॉडी में म्यूकस मेम्ब्रेन्स रहती है ना, जहाँ भी रहती हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम नाक से शुरू करें, नोज है, हमारी एयर पैसेजेस हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, एंड द जेनिटो यूरिनल ट्रैक्ट है, वहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन जहाँ अफेक्ट होंगी ना, वहाँ क्यूबेबा दिया जा सकता है। अब अफेक्ट कैसी होंगी, वहाँ क्या सिम्टम्स रहते हैं, ज़्यादा बर्निंग के सिम्टम्स हैं, जलन होती है, चाहे वो गले के अंदर, थ्रोट के अंदर बर्निंग हो रही है, वो रेक्टम के अंदर जलन हो रही है, स्टमक के अंदर एसिड बनता है, उस वजह से बर्निंग होती है, या इवन इन यूरेथ्रल एरिया, राइट, जहाँ कहीं म्यूकस मेम्ब्रेन्स रहती हैं, वहाँ बर्निंग का सिम्टम है, रॉनेस का सिम्टम है, क्यूबेबा स्टैंड्स अपार्ट, क्यूबेबा नंबर वन दवा देंगे। और ये सब इन्फेक्शन या ये सिम्टम्स रहते हैं ना, तो साथ में बंदों को ना कॉन्स्टिपेशन की एक टेंडेंसी रहती है, कब्ज की शिकायत अक्सर देखी गई है ऐसे बंदों में, तो वहाँ क्यूबेबा इज इम्पॉर्टेंट। और लिकोरिया की प्रॉब्लम है, मैंने बताया आपको, यंग गर्ल्स के अंदर लिकोरिया की समस्या है, और ये जो यूरिन की इन्फेक्शन है ना, ये जो यूरेथराइटिस है, उसके साथ म्यूकस आता है, यूरेथराइटिस विद म्यूकस डिस्चार्ज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है फॉर क्यूबेबा ऑफिसिनालिस। और महिलाओं में स्पेशली ऐसा देखा गया कई बार ना, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है यूरिनेशन की, पेशाब करने की ना बार बार अर्ज होती है, बार बार जाना पड़ता है, कई बार तो आधे आधे घंटे में 15-15 मिनट के गैप में बार बार उठ के जाना पड़ता है, और पेशाब आता भी है, सो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इज देयर। और ये सिम्टम्स जो है ना, इसकी मोडालिटीज़ के अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स दे गेट वर्स एट नाइट, रात के समय ये बिगड़ जाते हैं, इन बेड जाके सिम्टम्स और एग्रवेट हो जाते हैं, राइट, क्यूबेबा ऑफिसिनालिस। दोस्तों सिस्टाइटिस एक इंपॉर्टेंट टर्म रहती है, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन है, अगेन पर्टेनिंग टू अवर यूरिनरी ट्रैक्ट,
तो सिस्टाइटिस की दिक्कत है, अब वहाँ पर इन्फ्लेमेशन की वजह से बर्निंग के सिम्टम रहता है। फिर यूरेथराइटिस, मैंने बोला यूरेथ्रा के जो टिप है ना बिल्कुल एंड में, वहाँ बर्निंग है, वहाँ इचिंग है, कई बार यूरिन के अंदर ब्लड भी आ सकता है, और महिलाओं में स्पेशली यूरिन पास करने के बाद ये बार बार होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और उसके बाद ना क्रैम्प, कटिंग, पेन, बर्निंग आफ्टर यूरिनेशन, और काफ़ी देर तक रहती है, विद द कंस्ट्रिक्शन सी फीलिंग रहती है, यूरेथ्रा के टिप में कंस्ट्रिक्शन सी फीलिंग होती है, पेशाब लग के आता है, जलन बहुत होती है, करने के बाद काफ़ी देर तक होती रहती है, और नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस मैंने बताया, बेड वेटिंग, रात को सोते समय भी पेशाब निकल जाता है, इनवॉलंटरी होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता, पता नहीं चलता यूरिन निकल जाता है। और जैसे मैंने बताया फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है ना, तो दिन में भी अगर बार बार पेशाब करने को इच्छा होती है, पेशाब आता भी है, राइट, इट इज़ डार्क इन कलर, कॉपियस सा रहता है, और ना फोमी भी हो सकता है, फ्रॉथी भी हो सकता है, जैसे झाग होती है यूरिन के अंदर। और मैंने बताया आपको बर्निंग का सिम्टम बहुत प्रोमिनेंट रहता है, जलन जो होती है हमारे थ्रोट में हो सकती है, हमारे पेट में हो सकती है, एब्डोमेन में हो सकती है, सार इरेक्टेशन, साथ में खट्टे खट्टे डकार से भी आते हैं, ऐसा भी कुछ रहता है, साथ में जुड़ते ना सिम्टम्स तो क्यूबेबा कैन बी। और ये बर्निंग एंड इचिंग भी हो सकती है एनल एरिया में, स्टूल पास करते समय जलन होगी, खुजली भी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, साथ में हेमोरॉइड्स भी हो सकते हैं। ये कुछ जनरल सिम्टम्स हैं, मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ सब अगर जुड़ते हैं ना, प्रोमिनेंट सिम्टम्स वही यूटीआई के रहेंगे, तो क्यूबेबा ऑफिसनरिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। एक तरह से ना जो बर्निंग सेंसेशन है ये बॉडी से बाहर निकलती है उभर के, इसके सिम्टम्स स्किन पे भी आ सकते हैं, इरप्शंस हो सकते हैं, दाने दाने से पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं, लाइक अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया जैसे होते हैं ना, उस प्रकार के सिम्टम्स भी देखे गए। तो क्यूबेबा ऑफिसनेलिस इज अनडाउटेडली मास्टर रेमेडी जो पेशाब संबंधी रोगों में दी जा सकती है ना, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के जो सिम्टम्स मैंने आपके सामने रखे हैं, तो वहाँ क्यूबेबा ऑफिसनेलिस इज अ मास्टर रेमेडी। 30 CH में दे सकते हैं टू स्टार्ट विद, अगर एक्यूट कंडीशन है तो क्रॉनिक में हम 200 CH में भी दे सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, सेफली दे सकते हैं। फिर भी मैं कहूँगा अपने फिजिशियन की सलाह जरूर लीजिएगा बिफोर यू स्टार्ट एनी ऑफ द रेमेडीज, इसी उम्मीद के साथ कि ये जो दवाएँ मैं आपके सामने रखता हूँ उससे आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचना चाहिए। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, अपनी रिक्वेस्ट जरूर भेजिएगा, साथ में अपना नाम और जगह का नाम जरूर मेंशन कीजिए, इफ पॉसिबल आई कैन इनकॉर्पोरेट इन माई वीडियोज़। ठीक है, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, गॉड ब्लेस।